नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुरैना जिला के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव का आश्रम पर पहुंचे। कोलेगा मंदिर क्षेत्र में एयरफोर्स कैंपस में रहने वाले एक जवान ने बीती रात फांसी लगाकर दी जान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुबह श्रीधाम एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जीडीपी गिर रही है लेकिन मोदी जी को फिट इंडिया की फिक्र है। और प्रेम विवाह से नाराज होकर लड़की के पिता और एक अन्य ने ससुर को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। अब समाचार विस्तार से। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जौरा रोड पर स्थित मूंगाबली पेट्रोल पंप से अज्ञात चोरों के द्वारा टेबल को रेक के सरिये से तोड़कर 1,00,000 रुपए की चोरी की है। घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शर्ट भी नहीं रखी जाएगी पानी की। हाँ, माता पिता सिंगल का पेट्रोल पंप है गुवाली रोड पर। उनके द्वारा ये बताया गया कि 3:58 उनकी कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई थी कि पेट्रोल पंप के पीछे जो उनका कार्यालय है उसमें से कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर चुपचाप अंदर कमरे में घुसा और उसमें से 1,70,000 रुपये चुरा के ले गए। ये बाद में उसको मालूम पड़ा जब लड़का पेट्रोल पंप पर बाद वापस आया तो देखा कि इसमें सर किसी आरोप की गिरफ्तारी ये अभी जाँच चल रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और आसपास की भेजेंगे दर्ज किए जाएंगे। सर ये कितने बजे की घटना है? और 4 बजे की घटना है और चोरी की और इसमें जैसे ही पता पड़ा नाकेबंदी की गई है एवं दर्ज दी जा रही है और उसी की पता रखी गई है। सर कहाँ पर है ये पेट्रोल पंप? बोहाल रोड पर। पुरानी रंजिश के चलते आज सुबह डीवी सिटी के समीप पुलिस पर बाइक सवार डेयरी कारोबारी पर पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में डेयरी कारोबारी समेत एक अन्य पड़ोसी घायल हो गया है, जिन्हें घायल अवस्था में जीएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले, जिनकी संख्या 5 बताई गई है। जानकारी के अनुसार महाराजपुरा थाना अंतर्गत डीवी सिटी के करीब पुलिया पर बाइक सवार नरेंद्र शर्मा निवासी ग्राम जुड़ैया पर उनके पड़ोसी राकेश कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। नरेंद्र के भाई पवन शर्मा के मुताबिक राकेश कुशवाहा निवासी जड़ेउआ से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। पवन के छोटे भाई रामवीर के साथ रक्षाबंधन पर राकेश और उनके साथियों ने मारपीट की थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। बताते हैं कि इस राकेश नाराज हो गया था और पिछले कुछ दिनों से बदला लेने की नियत से हथियार लेकर घूम रहा था। आज यानी शनिवार सुबह जब नरेंद्र बाइक पर सवार होकर गांव वापस आ रहा था तभी राकेश ने नरेंद्र फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान नरेंद्र के अलावा उसके पड़ोसी हजारी लाल को गोली लग गई। हजारी लाल का कहना है कि जब वे तंबाकू लेने जा रहा था तो दोनों पड़ोसियों में झगड़ा होते देख बीच बचाव करने लगा। इस राकेश ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे नरेंद्र को पैर में गोली लगी है जबकि हजारी लाल के सीने में गोली धंस गई। घायलों को तत्काल जेएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने आरोपी राकेश समेत 6 लोगों पर फिलहाल हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने राकेश कुशवाहा समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास प्रकरण दर्ज किया है। हजारी लाल क्या हो रहा था? मैं तम्बाकू लेने जा रहा था दुकान पर, इधर इनमें झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो हुआ क्या नाम है, कुशवाहा जो है उन लड़कों ने गोली चलालू कर दी बीबीसीटी के गेट पे ही। बीबीसीटी हाँ बंदे पर। अच्छा, कितने लोग थे? 4-5 लोग। 5-6 लोग उससे कुशवाहा के थे, पंडित जी एक 2 लड़के थे, ये इससे छोटा है बड़ा है बस, ये दोनों उनके घर तो बहुत है उनके घर। घायल एक लड़का हुआ है कि मैं हूँ नरेंद्र। मैं पड़ोसी हूँ भाई, मैं तो तम्बाकू लेने जा रहा था, बीच बजा फनने लगे। अब मुझे तो मालूम हुआ अगली पार्टी मतलब गोली चलाने लगेगी। ताप तप्पड़ हो रहे थे उनमें, पास में ही रहता हूँ बगल में यूनिवर्सिटी पे। हाँ, महाराजपुरा। राकेश कुशवाहा और बरुआ। मैं तो गोली लगते कम बेहोश हो गया हूँ भाई। मैं बीपीसीटी के पास पुलिया में हूँ, गड़रुआ बंदा के पास। आज नरेंद्र शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से गांव के लिए जा रहा था। 8:30 बजे के लगभग
रवि शर्मा और राकेश शर्मा वगैरह ये लोग आए, इन्होंने एक राय होकर के मारपीट की और कट्टे से फायर किया, जो जिससे जो जिससे नरेंद्र शर्मा को पैर में गोली लगी, वो पड़ोसी हजारी लाल गोड़ के सीने में गोली लगी। ये रक्षाबंधन पर इनकी कुछ पहले लड़ाई हो गई थी, तो पुरानी रंजस को लेकर झगड़ा हुआ। आपस में रिश्तेदार वगैरह नहीं, ये पुष्पा जात के हैं और राकेश और ये पंडित हैं जी। हाँ वो राकेश कुशवाहा जी से बोल रहे हैं। कितने लोगों का नाम बताएं? पांच लोगों का नाम बताएं। कितने गोली मारी? राकेश कुशवाहा ने। उनके साथ में वो साथ में थे मारपीट में। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस FIR करके अपनी कार्रवाई करेगी। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव करा आश्रम पर पहुंचे। मुरैना जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम करा आश्रम के हॉल में आयोजित किया जा रहा था। ग्राम पंचायत धनेला के ग्रामीणों ने अपनी बात बीती ग्राम पंचायत धनेला के ग्रामीणों ने अपनी आप बीती प्रभारी मंत्री को आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बिजली समस्याओं को ग्रामीणों ने काफी गंभीरता से प्रभारी मंत्री के समक्ष रखा। प्रभारी मंत्री ने नूराबाद की बिजली वितरण कंपनी के AI और JI को काफी कार्यक्रम में फटकार लगाई। मंत्री लाखन सिंह ने बिजली अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बीते महीने में काफी बदनामी का सामना करना पड़ा है। वहीं मुरैना के जिले में कई जगह विद्युत की समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं। उन्होंने धनेला ग्राम पंचायत में तत्काल काम चालू कराया, जिससे ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई और यदि ठेकेदार कल से काम शुरू नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। वहीं आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास को भी काफी नसीहत दी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस कार्यक्रम में कई ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री को यह भी बताया कि कार्यक्रम के मुनादी नहीं कराई गई, इसलिए ग्रामीणों को कार्यक्रम का पता नहीं है। यदि पता होता तो ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर इस कार्यक्रम में आते। वहीं प्रभारी मंत्री ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करे आश्रम पर 5 करोड़ की लागत से स्मार्ट गौशाला खोले जाने की घोषणा की। वहीं कई हितग्राहियों को साइकिल गैस चूल्हे प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नहीं, निश्चित तौर पर एक्चुअल में चूंकि बड़ा कार्यक्रम रहता है तो इसमें छोटी मोटी कुछ त्रुटियाँ हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ और लोगों के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का बहुत सारा निराकरण। आपने बिजली अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। देखिए बिजली अधिकारियों के बारे में जो हमारे धनेला के जो सरपंच जो बता रहे थे कि वहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट थी। ये यहाँ नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में MPV की हालत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। तो इस वजह करके मैंने उनको थोड़ा सा डांटा कि आप ठीक से काम करें। मंत्री अवैध रेत को गोले का मंदिर क्षेत्र में एयरफोर्स कैंपस में रहने वाले एक जवान में बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी। बताया गया है कि इस दौरान परिजन सो रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिंटो पार्क स्थित एयरफोर्स कैंपस के क्वार्टर नंबर 52/1 में रहने वाले जवान अभिषेक कुमार दीक्षित ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात अपने घर में फांसी लगा दी। इस दौरान उनकी पत्नी व बच्चे सो रहे थे। सुबह जब परिजन उठे तो उन्होंने अभिषेक को फंदे से झूलते देखा। प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो सका है कि अभिषेक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? घटना क्या, ये सरकारी क्वार्टर में रहते थे, एयरफोर्स कैंपस पिंटू पार्क सरकारी क्वार्टर है 52/1, उसमें फांसी लगा ली। अब कारण तो अभी खुलासा हुआ नहीं, क्या कारण से। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, एक मिनट, नाम तो देखना पड़ेगा। क्या नाम है इनका? इनका है अभिषेक कुमार दीक्षित। उम्र कितनी? उम्र 42 साल है। अच्छा, जब इन्हें फांसी लगी तो कौन कौन था घर पर? तो मौजूद नहीं, पत्नी और लड़के बता रहे, सो रहे थे, रात का टाइम था। अच्छा, कारण मालूम पड़ा? कुछ बताया घर वालों? कोई विवाद या कुछ नहीं? कुछ नहीं, ऐसी अभी कोई। कहाँ जॉब करते हैं? ये एयरफोर्स में है। किस पोस्ट पे हैं? पोस्ट तो मालूम नहीं, पोस्ट तो यही लोग बता रहे। अच्छा, उम्र होगी? पोस्ट 42। उनके पिताजी वगैरह हैं। पुलिस का प्रथम दृष्टि क्या लगता है? अभी तो ऐसा कोई नहीं है, अब उन्हें कोई मानसिक टेंशन है, मतलब कोई मानसिक टेंशन में किया है। आपका नाम? मेरा नाम है प्रधान आरक्षक सतपाल सिंह। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसमें? जाँच कर रही है, अभी PM कराएंगे, उसके बाद गोले मंदिर।
प्रेम विवाह से नाराज होकर लड़की के पिता और एक अन्य ने ससुर को चाकू मारकर आज रात मौत के घाट उतार दिया। घटना उपनगर ग्वालियर के लदेड़ी इलाके की है। वारदात के बाद दोनों आरोपी भाग निकले। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पंजीबृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। करी के अनुसार लदेड़ी निवासी लल्लू राम प्रजापति के बेटे दिनेश ने 5-6 महीने पहले नत्ता प्रजापति की लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मृतक के परिजन के अनुसार तभी से नत्ता प्रजापति का परिवार लल्लू प्रजापति से रंजिश रखता है। इसी बात को लेकर आज रात लदेड़ी के दोनों परिवार में झगड़ा हो गया, जिसमें नत्या और राजकुमार प्रजापति का आरोप है कि उन्होंने एक राय होकर लल्लो पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लल्लो के गले पर गंभीर चोट आने के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तेजी से तलाश शुरू कर दी है। लल्लो प्रजापति की डेथ क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था दोनों पक्षों में। झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण ये है कि भाई रंजी से पुरानी लड़की लेके भागा था। कौन भागा था? इनका लड़का छोटा वाला जो जो मृत्यु में। क्या नाम है इनका? जो इनका नाम लल्लू प्रजापति। क्या करते हैं जी? मजदूरी करते हैं। आज इनकी मौत कैसे हुई है? चाकू लगने से। कई लोगों ने चाकू मारे हैं? एक दो लोग। नाम बताएं। वैसे तो मारा तो एक जन ही ने, एक को तो हमने पकड़ लिया था। किसने मारा? उनके लड़के ने मारा, उसका नाम लल्ला प्रजापति। अच्छा, ये किस जगह की घटना है? ये लदेड़ी जाने के लिए। अच्छा, ये वहाँ पर क्या कर रहे थे? जो घर पे थे, छोटे वाले से लड़ाई हुई थी। वो आया था, उससे लड़ाई हुई तो वो आया घर पे, तो लड़ाई हो गई। अब वो घटे नहीं मारे, हम भी मारेंगे, जी भी मारेंगे। तो ये लोग आ गए, बीच बचाव कर रहे थे तो इनके चाकू लगे। कितने चाकू? कहाँ? एक लग रहे हैं। कितने भी बच्चे? बच्चे कितने भी? इनके तीन लड़के हैं, एक एक लड़की। कहाँ के निवासी हैं? लदेड़ी जाने। आप कौन लगते हैं जी? चाचा। आप लल्लू राम का लड़का दिनेश प्रजापति। अरे देखना तो पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बताइए ना। लल्लू राम जी का लड़का नत्था राम, वो दिनेश प्रजापति 5-6 महीने पहले लल्ला प्रजापति की लड़की को लेके भाग गया था। उसने मैं कोर्ट मैरिज कर ली, उसी पर रंजित चल रही थी। फिर क्या हुआ? जिस फिर से आज झगड़ा हुआ तो झगड़े के दौरान चाकू मृतक लल्लू राम के मार दिया, जिससे वो गले पे के पास लगा था। मारा है? ये दिन नत्था और लल्ला प्रजापति। घटना कहाँ की है भाई? ये लदेड़ी की है। कहाँ से मार हुआ है? चाकू के मारना बता रहे हैं। क्या कर रहे अब काम ही? वो दिनेश की तलाश कर रहा है। दिनेश कहीं रह गया वही रास्ते में, वो आ जाए फिर उसके बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1970 में घर छोड़ दिया था। वे मेरे ही नहीं बल्कि पूरे देश के भाई बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों के चलते ही देश ने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। यह बात ग्वालियर प्रवास पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कही। प्रहलाद मोदी ने कही कि किसी पार्टी का नेता नहीं हूं मैं, गुजरात में अपनी राशन की दुकान संभालता हूं, साथ ही समाज के सेवा कार्यों में लगा रहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि समाज एकजुट होना चाहिए, समाज के सभी बच्चे शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। लोकशाही से चलता हुआ हमारा देश है, इसमें जनता की आकांक्षाओं की बात हो सकती है, हमारी परिवार की आकांक्षाओं की बात नहीं हो सकती। जनता की आकांक्षा के रूप में भी आपका एक अंग है। जनता की आकांक्षा तो आप जनता से पूछिए, लेकिन इतना चौकस कह सकता हूँ कि जनता की आकांक्षा जो होगी उसको ये सरकार बल देगी, उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। राम मंदिर को लेकर जो देश की आकांक्षा है, राम मंदिर बने अयोध्या में, सरकार उसके लिए कानून लेकर आए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है तब तक इस बाबत में कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक हिंदू नाते में इतना ही कह सकता हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा उसके बाद सरकार विचार करेगी और जनता भी सोचेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगा जो मामला होगा वो। देखें, सुप्रीम कोर्ट का मामला यदि विपरीत आया तो हिंदू होने के नाते मुझे दुख तो होगा, लेकिन सुप्रीम सुप्रीम होती है, उसके हुक्म को हम अनादर तो नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार सोच सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं एक राशन दुकानदार हूं और समाज के लिए ही काम करता हूं, पार्टी के लिए काम करता नहीं।
फिर भी एक नागरिक होने के नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि धारा 370 हटाने के बाद देश की जनता ने एक झंडा एक संविधान का वो स्वीकार कर लिया, तो समान कानून देश में होना चाहिए, ये जनता स्वीकार करेगी, उसमें कोई बेमत नहीं हो सकता। आपने कहा कि समाज के लिए आप काम करते हैं, आरक्षण को लेकर बहुत मतलब है। मैं मेरे समाज के साथ काम कर रहा हूँ, आरक्षण के मामले में सरकार में बैठे हुए लोग चिंता करेंगे, इसमें मैं बहुत छोटा हूँ। यही रखा है कि जिस मामले में मैं उस पर बहस कर सकूँ। नागरिक के नाते आपको, नागरिक के नाते आप क्या सोचते हो? हम तो ये सोचते हैं हटना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ सहमत रहूँगा। आप जो सोच, जनता जो सोचेगी उसमें मैं रहूँगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लेके आया था आरक्षण के SC ST एक्ट के मामले में, इसके विषय में क्या कहना है सर? आपने बोला सरकार बैठी हुई, विधान परिषद बैठी हुई है, तो लाई थी तो चला, फिर उसको फिर से अरे दबाव में हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन चला नहीं चला तो फिर उसकी फिर अभी चर्चा कर कर क्या करेंगे? 2020 में उसका रिव्यू होना है, 2020 में रिव्यू होने तो दो पहले, अभी से कैसे मैं कह सकता हूँ? मैं तो पंत प्रधान नहीं हूँ, मैं लीगल मिनिस्टर नहीं हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुबह श्रीधाम एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे, सहकारिता और सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह उनके साथ थे। अल सुबह ग्वालियर पहुंचने के बावजूद बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनकी आगवानी करने स्टेशन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि GDP गिर रही है, लेकिन मोदी जी को फिट इंडिया की फिक्र है। हमने प्रस्ताव पास किया, चाहे झारखंड हो चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह राज्यों के बंटवारे के लिए राज्यों की विधानसभा की सहमति होती है। अब वहां गवर्नर साहब ने पहले तो चुनाव टाल दिए विधानसभा के, जबकि इलेक्शन कमीशन तैयार था चुनाव साथ साथ हो। एक तरफ मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, के नुमाइंदे ने वहां कह दिया कि हाँ राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। पहली घटना है देश में जहां राज्य का दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी कर दी गई। लद्दाख और लेह की तो मांग बहुत पुरानी थी, हमें उसमें हमारा सहमति उसमें है, लेकिन कश्मीर जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाने की आवश्यकता क्या थी? केवल देश में भारतीय जनता पार्टी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है जो कि देश हित में नहीं है। मुझे मालूम है जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पूरी उनकी भाजपा की व्हाट्सएप आर्मी जो है वो दिग्विजय सिंह को खिलाफ बोलेगी, मुझे उसमें चिंता नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा है सोच समझ के कहा है और अंतर्गतता मैं सही निकला हूं आज तक। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। हाँ, इसलिए मैंने हमेशा से जो कहा है, नोटबंदी में उन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। काला धन समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। फर्जी नोट खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। GST को की गलत तरीके से लागू किया गया, आप मेरे GST के मामले में राज्यसभा का मेरा भाषण सुन लीजिए, एक एक बात जो मैंने कही थी सही निकली है। तो अब इन सब बातों पर ध्यान दीजिए मोदी जी, फिट इंडिया स्टार्टअप इंडिया जितना भी है ये सब जुमले भर रह गए हैं। मजबूती के साथ देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलिए। आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब आपने कहा सबका विश्वास। आपको पहले मुसलमानों की टोपी पहनने में एतराज नहीं था, लेकिन सऊदी अरेबिया जाके आपने वहां का सऊदी अरब का भेष बनाने में आपको एतराज नहीं है। ये नाटक नौटंकी बंद करिए। चलिए सर, एक क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि वहां पर लाइफ नॉर्मल हो रही है और होने जा रही है, आप उसमें तो क्या कहें? अगर नॉर्मल हो गई है तो जाने से रोका क्यों जा रहा है? एक तरफ राज्यपाल जी आमंत्रित करते हैं राहुल जी को, और उसके बाद जो नॉर्मल कर्टसी होना चाहिए
आपने कहा हम तो चार्टर भी भेज देंगे, हमको चार्टर की जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन मैं जब पहुंच गए तो उनसे कम से कम राज्यपाल जी बात तो कर लेते, फोन से बात कर लेते, आना चाहिए था, चर्चा करना चाहिए था। इस मामले में कांग्रेस कांग्रेस अपनी लाइन एक लाइन कौन बना पाई है, एक लाइन कौन चल पाई कांग्रेस लाइन पे सत्ता के मुद्दे पे? एक एक बात पूछिए। वैसे कांग्रेस इस मुद्दे पे कांग्रेस में तेग खींच लिया है किसी ने अध्यक्ष के लिए, क्या कांग्रेस में क्या कर लिया प्रदेश प्रदेश कांग्रेस के लिए? हाँ, किसी ने तेग खींच ली है, उस पर आपका क्या कहना होगा? आजकल तेग का जमाना नहीं है। अल्टीमेटम दे दिया सिंधिया जी ने, एक राय हो नहीं पा रही है मंत्री विधायक अपनी। ये सब आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रही है महाराज। हमारी तो कोई मेरा 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 सवाल है। आपने एक पत्र लिखा है सभी मंत्रियों को कि जो आपने जो पत्र लिखे हैं उसको लेकर सिफारिशी पत्र उसको लेकर आप समय मांग रहे हैं, तो क्या जवाब आया है सभी का? ऐसा है, गोविंद सिंह जी का जवाब आ गया, बाकी लोगों कई मंत्रियों का आ गया, बहुत बहुत आभारी हूँ। 370 के बाद पार्टी एक लाइन क्यों नहीं हो पाई है? एक लाइन नहीं चल पाई। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, कांग्रेस की लाइन वही है जिसको राहुल गांधी ने कहा है, सोनिया गांधी ने कहा है और कांग्रेस ने कहा है, सही लाइन वही है जो मैंने समर्थन किया इसका 370 का। सिंधिया ने समर्थन, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप उनका ट्वीट पढ़िए, उसमें समझिए उन्होंने क्या कहा। अधिकारियों की बैठक आपने ली? मैंने बैठक नहीं ली, ऐसा मैंने उनको बुलाया नहीं था, सुन लीजिए, मैंने उनको बुलाया नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा आइए चाय पियेंगे। देखिए हम एक बात सुन लीजिए, उत्खनन के मामले में कांग्रेस पार्टी अवैधानिक उत्खनन के खिलाफ है और रहेगी, और जो उत्खनन अवैध रूप से करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे कुछ भी हो। सर गोविंद सिंह जी ने कहा था कि चंबल आएगी, गोविंद सिंह जी ने कहा था कहीं ना कहीं चंबल पुलिस को सवाल खड़े करे थे। जब गोविंद सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उनसे पूछिएगा, आपसे मिलने तो आपके पास आए थे। कश्मीर गवर्नर ने जो जूते का नाम लिया उसके बाद कश्मीर गवर्नर ने जूते का शब्द का उपयोग किया जो 370 असंसदीय है, गलत है। एक सवाल आपका होगा, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। और कोई है? पीसीसी चीफ का निर्णय कब तक कैसे? जिस दिन सोनिया जी तय कर लेंगी, अभी पोस्ट तो खाली है नहीं, कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिजाइन कर भी दिया है। नहीं, कोई रिजाइन नहीं किया। युवा होना चाहिए कि वरिष्ठ नेता होना चाहिए, कैसा होना? आपने देखा है हांगकांग का नेतृत्व आंदोलन का कौन कर रहा है? 26 और 22 साल के लड़के कर रहे हैं। जनपद पंचायत कैलारस से महज 9 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत किरावली जदीद में सरपंच ने सराहनीय कार्य कराकर लोगों के दिलों को जीत लिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत किरावली जदीद में 150 वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर जर्जर हालत में था, जहां पर प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं एवं उनके कष्टों का निरावरण भी होता है। लोगों की उनके दर्शन में से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। प्राचीन मंदिर की जर्जर हालत को देखते हुए सरपंच ने यह प्रशासनिक कदम उठाया जिसमें कुल लागत 5,10,000 लगी है। जनपद पंचायत कैलारस से महज 9 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत किरावली जदीद में सरपंच ने सराहनीय कार्य कराकर लोगों के दिलों को जीत लिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत किरावली जदीद में 150 वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर जर्जर हालत में था, जहां पर प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं एवं उनके कष्टों का निवारण भी होता है। लोगों की उनके दर्शन से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। प्राचीन मंदिर की जर्जर हालत को देखते हुए सरपंच ने यह प्रशासनिक कदम उठाया और मंदिर का पुनः निर्माण कराया जिसमें कुल लागत 5,10,000 लगी है। यह राशि किरावली जदीद के सरपंच हजारी लाल धाकड़ द्वारा व्यक्तिगत धनराशि से पुनः निर्माण कराया गया है, जहां पर मंदिर का विशाल रूप देखने को मिल रहा है। वहीं मंदिर के 14 वर्षीय पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि इससे पहले मंदिर की जर्जर हालत बहुत ही खराब थी, अब दर्शन का कुछ आनंद ही अलग है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन कोलारस द्वारा सिविल जज परीक्षा में चयनित क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाली मेधावी प्रतिभाएं आयुषी चौबे एवं निशा रघुवंशी को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया व उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी। न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 में कोलारस से चयनित
श्री कुमारी निशा रघुवंशी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। निशा जी, आप बताइए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, सो आपने सिविल जस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है? सर, मैं अपने दादाजी और माता पिता से काफ़ी प्रेरित हुई जी। और एक नवीन शर्मा जी जो मजिस्ट्रेट थे, अक्सर मैं उनके घर के सामने से कोचिंग जाया करती थी। अच्छा। तो उन्हें देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी जज बनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, तो मैंने भी किया। अच्छा, आपने मतलब लॉ की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? लॉ ग्वालियर से, ग्वालियर से महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। अच्छा, इसके बाद अदर्स कोई कोचिंग वगैरह आपने? सर, उसके बाद मैंने परमार सर शिवपुरी के यहाँ से कोचिंग की थी, श्री राघवेंद्र सिंह परमार सर हैं। उसके बाद मेंस के कुछ गाइडेंस के लिए कुछ टाइम तिवारी सर के यहाँ रही इंदौर। अच्छा। उसके बाद इंटरव्यू में कौटिल्य एकेडमी में भी ज्वाइन किया था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। परमाल सिंह जी, रघुवंश जी की सुपुत्री ने कोलारस का नाम रोशन किया है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।